गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे एक्चुअली 12th के एक पोएट्री की, जो आप देख सकते हो कि पोएट्री का नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ये आप देख सकते हो क्लास 12th की आपकी पोएट्री है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो इसे आज हम देखेंगे लाइन बाय लाइन कि ये पूरी पोएट्री क्या है, इस पोएम में विलियम शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं। तो आई होप कि इस वक्त आपकी बुक्स आपके पास हैं, अगर नहीं है तो अपनी बुक्स ले अपने साथ और इस पोएट्री को निकालें ताकि हम साथ साथ से पढ़ पाए। तो आई होप अब तक आप रेडी हो गए होंगे बुक्स के साथ। तो पोएट्री का नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि दी, यहाँ पर टी एच ई जो दी लिखा हुआ है, टी एच ई दी, इसका मतलब हुआ यू यानी कि तुम। तो यहाँ शैल आई कंपेयर You to a summer's day का मतलब हुआ कि क्या मैं तुम्हारी तुलना, क्या मैं तुम्हारा मुकाबला, क्या तुम्हारा कंपैरिजन है समर के एक दिन से, यानी कि गर्मियों के एक दिन से करूं या फिर करना चाहिए। तो सवाल है कि ये विलियम शेक्सपियर किसके लिए लिख रहे हैं या फिर किसे ये कह रहे हैं। तो जवाब ये पूरा क्लियर नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता है कि एग्जैक्टली उन्होंने किसके लिए ये लिखा था, किसके लिए लाइंस कही थी। हो सकता है कि वो अपनी बिलव्ड के लिए ये लिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि किसी डियरेस्ट फ्रेंड के लिए लिख रहे हो जिन्हें वो बहुत ज्यादा मानते हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो आप देख सकते हो विलियम शेक्सपियर जो है वो बहुत फेमस इंग्लिश पोएट है और ड्रामेटिस्ट है 16th सेंचुरी के। अब आपने उनकी कई सारी और भी लिखी हुई चीजें पढ़ी हैं, डेफिनेटली आपके सिलेबस में ट्रेजेडीज आपने पढ़ी हैं, कॉमेडीज पढ़ी हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पढ़े हैं, जैसे आपने मैकबेथ पढ़ा है, मैकबेथ का आपने वीडियो भी देखा है मेरे, एंड और भी कई सारे आपने देखे हैं कि जहां जिस तरह से वो नाम मेंशन किए गए हैं वो उन्होंने लिखा। तो अब ये जो है ये एक्चुअली एक सोनेट है जिसमें 14 लाइन्स है टोटल। आप देख सकते हो इस पोएट्री में 14 लाइन्स हैं, चार चार करके 3 स्टैंजास हैं और लास्ट में 2 लाइन्स। तो अब ये सोनेट मतलब क्या हुआ कि ऊपर के जितने भी आप लाइन्स देख रहे हैं वो चार चार करके हैं और लास्ट की 2 लाइन्स हैं, और इन 2 लाइन्स को क्या कहते हैं, कपलेट्स कहते हैं। तो अब इस पूरे पोएम में वो कंपेयर कर रहे हैं अपने किसी खास जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मानते हैं, उसके लिए वो विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पोएम को, देखते हैं कि पहली लाइन क्या है। फिर से वही जो इस पोएट्री का नाम है कि शैल आई कंपेयर दी, यानी कि शैल आई कंपेयर यू टू अ समर स्टे, क्या मैं तुम्हारी तुलना, क्या मैं तुम्हारा कंपैरिजन, क्या मैं तुम्हारा मुकाबला गर्मियों के एक दिन के साथ कर सकता हूं या फिर करूं या फिर करना चाहिए मुझे। अब गर्मियों के एक दिन से यहां क्या मतलब, दरअसल आप जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि गर्मियां बहुत, समर्स डे यानी कि धूप बहुत कम निकलती है, जैसे हमारे भारत में क्या होता है कि हमें यहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं कि वहां पर समर डेज बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कि जिस दिन वहां पर धूप निकलती है, सूर्य की रोशनी उन्हें मिलती है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा दिन होता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना उस समर के एक दिन के साथ करूं, मतलब कि जब सूर्य निकलता है, रोशनी उन्हें मिलती धूप वाली, तो उन्हें बहुत खुशी होती है ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में। तो वही कहा गया है कि क्या मैं तुम्हारी तुलना उस एक दिन से करूं जब हमें रोशनी मिलती है देखने की, धूप मिलती है देखने को। तो दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट रफ पाइंट्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। अब इस पूरे स्टैंजा का मतलब क्या हुआ इसे समझते हैं। कह रहे हैं कि मैं उस समर डे की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं उस गर्मियों के एक दिन की बात कर रहा हूं जब टेम्परेचर, यानी कि जब उसका जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ये हुआ कि ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड होती है, यानी कि बीच का मौसम जो हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट हमारे भारत में भी आप देखते हो कि हमें बीच का मौसम बहुत अच्छा लगता है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, तो वो मौसम ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। तो वही कह रहे हैं कि
जिस मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिससे तुम्हें कंपेयर करना है, जब टेम्परेचर मॉडरेट होता, माइल्ड होता, यानी कि एकदम सही बीच का टेम्परेचर, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्म, तो मैं उससे तुम्हारी कल्पना करूं क्या? लेकिन उस टेम्परेचर में भी क्या होता है कि जो मई महीने की जो वाइंड्स होती है, यानी कि जो हवाएं होती हैं, मई महीने की हवाएं जो है वो वहां पर जो बर्ड्स होते हैं, यानी कि जो पक्षी होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं नेचर को, वो हवाएं जो है वो थोड़ा नुकसान पहुंचाती है, ये कहा गया है। एंड समर्स लीज हैव ऑल टू शॉर्ट डेट, यहाँ पर लीज और शॉर्ट टू डेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम किसी भी चीज को, मान लो हम किसी एक बिल्डिंग को अगर खरीदते हैं, किसी एक ऑफिस को खरीदते हैं, या फिर कुछ भी चीज अगर हम लीज पर लेते हैं, लीज का मतलब क्या हुआ कि हमने वो चीज ली है कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो उसके लिए हम पे करते हैं और वो हमेशा मतलब परमानेंटली हमारे पास नहीं है, वो हमने लीज पर ली। तो यहाँ लीज का कंपेयर वो समर के मौसम से कर रहे हैं, वेदर से कर रहे हैं, कि समर्स जो है ये भी तो कुछ दिन के लिए ही आता है। जैसे हम जानते हैं कि चार सीजन होते हैं, देयर आर फोर सीजन्स, तो वैसे क्या है, हर सीजन का एक टाइम होता है कि भाई वो सीजन इतने इतने दिन या इतने महीने तक रुकने वाला, उसके बाद तो वो चला जाएगा, वो गुजर जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि ये समर जो सीजन होता है ये भी तो गुजर ही जाता है, तो मैं क्या इन सारी चीजों की तुलना तुमसे करूं, या मुझे करनी चाहिए, या फिर मैं करूंगा। आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या होता है, कि समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इन हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनप्रिव्ड। अब इस पूरे चार लाइन्स के स्टैंजे को हम समझते हैं। शेक्सपियर कह रहे हैं कि कभी कभी जो आई ऑफ हेवन, यहां पर आई ऑफ हेवन का मतलब हमें समझना होगा कि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सूर्य, सन की बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं, आई ऑफ हेवन यानी कि सूरज की वो बात कर रहे हैं, सन की। कहते हैं कि कभी कभी जो सूर्य है उसकी रोशनी भी बहुत तेज होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा सूर्य जो है अपनी रोशनी दिखाता है, बहुत तेज धूप होती है। एंड ऑफन हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, लेकिन वक्त के साथ हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे सूर्य की जो चमक होती है, उसकी जो रोशनी होती है, वो धीरे धीरे डिम हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। क्योंकि आपने भी देखा है कि सुबह का सूरज अलग होता है, दोपहर में अगर देखेंगे तो वो अलग होता है, शाम होते होते अलग हो जाता है, तो वही कहा गया है कि वो डिम हो जाता है। और फिर कहा गया है कि एट एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, और कहा है कि और हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज जो है वो खत्म हो जाती है, एक वक्त आता है कि हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज खत्म हो जाती है, यानी कि हर चीज का एक अंत होता है, कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है, अगर कोई चीज है तो उसका एक अंत, तो वही कह रहे हैं बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स, यानी कि वो बोल रहे हैं कि कैसे खत्म होती है चीजें, या तो उनका वक्त खत्म हो जाता है बाई चांस, या फिर नेचर उन्हें खत्म कर देता है, क्योंकि नेचर का एक रूल होता है अनट्रिम्ड रूल, यानी कि जो प्रकृति हमारी है नेचर, उसमें क्या है कि वो नेचर में बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, ऐसा आपने कहीं सुना होगा, लिखा होगा, बहुत अच्छी लाइन थी किसी के द्वारा लिखी गई है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो नेचर यानी कि प्रकृति बदलाव लाता, उन बदलावों में ये चीजें क्या होती हैं, या तो बदल जाती हैं, या फिर कम हो जाती हैं, या फिर खत्म हो जाती हैं। तो वही शेक्सपियर कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी इन चीजों से क्या तुलना करूं, क्योंकि ये सारी चीजों चीजों का अंत ऐसे ऐसे होता है, ये सारी चीजें ऐसे ऐसे खत्म होती। आगे देखते हैं, बट दी यानी कि फिर से यू, बट योर इंटरनल समर शैल नॉट फेयर नॉर लूज पोजेशन ऑफ ऑल दैट फेयर यू बो, नॉर शैल डेथ ब्रैक यू वैंस रेस्ट इन द शेड वेन इट्स इंटरनल लाइन्स टू टाइम दो, यानी कि यू ग्रो। अब ये लास्ट स्टैंजा, इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। शेक्सपियर कह रहे हैं उस इंसान के लिए जिनके लिए इन्होंने लिखा है, ये बोल रहे हैं कि लेकिन तुम्हारी जो इंटरनल समर, यानी कि तुम्हारी जो इंटरनल यानी कि अंदर का जो तुम्हारा समर है, यानी कि तुम्हारे जो अंदर की खूबसूरती है, वो कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, उससे खराब मत होने देना, उससे खत्म मत होने देना। नॉर लूज योर पोजेशन, ना तो तुम अपना मतलब जो तुम्हारे अंदर की जो क्वालिटीज है, तुम इतनी खूबसूरत हो, अब खूबसूरत तुम इतनी या इतना
यहां फिर से बता दूं, ये कंफर्म्ड नहीं है। अब ये एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, तो वो नोबडी नोज। बस ये तो जिनके लिए उन्होंने लिखा है, तो बोल रहे हैं कि बस तुम्हारे अंदर की ये जो क्वालिटीज हैं, तुम्हारे अंदर की जो सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है, और इतने तुम खूबसूरत हो या इतने तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी इतनी क्वालिटीज हैं, इन्हें कभी खत्म मत होने दें, और मौत भी तुम्हें अपने आगोश में लेकर नहीं जा पाएगी। यानी कि इतने कंफर्म है, इतने कॉन्फिडेंट है कि तुम्हारी जो अंदर की खूबसूरती है, इंटरनल ब्यूटी, समय वो कभी खत्म नहीं होगा, और ना ही मौत अपनी आगोश में, अपने साए में तुम्हें लेकर जा पाएगी, क्योंकि तुम अमर हो, तुम डिवाइन हो। तो व्हेन इन इंटरनल लाइंस टू टाइम दो, मतलब जैसे जैसे तुम्हारी ये क्वालिटीज निखरती जाएंगी, वैसे वैसे तुम और भी अमर होते जाओगे। अब ये अमर कैसे होते जाओगे, क्योंकि इन्होंने कहा है, यहां कंपेयर कर रहे हैं कि ये चीज जिनका ये जिक्र कर रहे हैं इस पोएम में, कि फला फला चीजें जो है उनका खात्मा है, वो कहीं ना कहीं आगे खत्म होती है नेचर के द्वारा, या फिर उनको खत्म होना ही होता है। तो वो बता रहे हैं कि ये चीजें खत्म होती हैं, लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम डिवाइन हो, तुम इमोर्टल हो, यानी कि तुम अमर हो, तुम में ये चीजें कहीं खत्म नहीं होंगी। अब कैसे नहीं होंगी, वो अपनी लास्ट की 2-3 लाइन्स में बता रहे हैं कि कैसे तुम कभी खत्म नहीं होगी, कैसे तुम कभी मतलब डिम नहीं होगे, कैसे तुम कभी फेड नहीं होगे, कैसे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू यू। तो कह रहे हैं कि तुम कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हमेशा जिंदा रहोगी, क्योंकि जब तक इंसान सांस ले, जब तक इंसान देख पाएगा, जब तक इंसान सुन पाएगा, तब तक तुम जिंदा रहोगी या रहोगे। कैसे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं ये जो पोइट्री लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, इस पोइट्री में तुम हमेशा जिंदा रहोगी। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वक्त मैं भी ये पोइट्री पढ़कर आपको बता रहा हूं, राइट। अब ये पोइट्री पढ़कर आप वापस से जब रिवाइज करोगे, या फिर आप वापस से आप ये पोइट्री पढ़ाओगे, या किसी को सुनाओगे, या आगे चलकर हो सकता है आप भी एक टीचर बन जाए, फिर आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो रीडर्स हैं, हमारे जैसे रीडर्स हैं जो इस पोएट्री को पढ़ रहे हैं, तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में शेक्सपियर ने लिखा था। तो अब हम उसे जब तक पढ़ते रहेंगे, यानी कि लोग जब तक इस पोएट्री को पढ़ेंगे, तब तक वो इंसान, वो शख्स जिंदा है जिसके बारे में शेक्सपियर ने लिखा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक इंसान देख पाएगा, सुन पाएगा, सांस ले पाएगा, पढ़ पाएगा, तब तक तुम जिंदा हो, क्योंकि ये पोल्ट्री तो अभी जब एक बार लिख दी गई है तो खत्म होने वाली है। यानी कि तुम इस पोल्ट्री के माध्यम से, इस पोल्ट्री में, इस पोल्ट्री के जरिए तुम हमेशा जिंदा रहो, तुम कभी नहीं मर सकती हो, समर की तरह या अन्य चीजों की तरह जिनका जिक्र मैंने आगे इसके पहले इस पोल्ट्री में किया। तो आई होप आपको ये लाइन बाय लाइन पोल्ट्री समझ में आ गई है। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें इस पोएट्री में कोई कंफ्यूजन थी कि हमें कैसे समझें कि इसमें कहा क्या गया, कहा क्या गया। तो अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगले कुछ और वीडियोज में कुछ और भी चैप्टर्स और पोएट्रीज और प्रोसेस लेकर के आऊंगा। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।